यूँ तो हलवाइयों के हाथ से भी पेट भर जाता है, जो बना दे उससे पेट भर जाता है। आप कहीं नौकरी पर रहते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी कभी आप छुट्टियों के समय पर घर आते हैं तो भोजन माँ के हाथ का परोसा हुआ है, अन्न के विकार समाप्त हो जाते हैं। माँ जिस पदार्थ को छू लेती है वो प्रसाद बन जाता है। मात्र हस्तेन भोजनम, कुछ तो होगा जब संतों ने ये विचार करके कहा है। माँ के हाथ के बनाए हुए भोजन में जो स्वाद है वो कहीं मिलता नहीं है। और मान लिया जाए आपकी घरवाली बना रही है तो माँ परोसे उस भोजन में बड़ा स्वाद है। ये जितनी भी माताएं मुझे आप सुन पा रही हैं, आपके बच्चे बाहर से आते हैं, अपने हाथों से बना करके जमाइए खिलाइए और खुद परोसे तो दो रोटी और ज्यादा खप जाती हैं, दो रोटियां और ज्यादा। मान लिया जाए घर में बहू बना रही है तो जितनी भी दादियां माताएं मुझे सुन पा रही हैं, आपका हाथ लगते ही भोजन छप्पन भोग में बन जाता है। घर में परोसाई का काम माँ से तुम संभाल लीजिए, आप परोसे। हमारे ऋषिवर कहते हैं मात्र हस्तेन भोजन, माँ के हाथ का जो भोजन जीवने को मिलता है वो साधारण अन्न नहीं है, वह तो बहुत बड़ा पवित्र भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो माताएं अपने लालों को, अपने बच्चों को अपने हाथों से परोसे, अन्न का विकार समाप्त हो जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। तो जब वो घर में बच्चे भोजन कर रहे हैं उतनी देर के लिए आप माला छोड़ दीजिए, रसोई तक जाइए और अपने हाथों से आप अपने पुत्र प्रपौत्रों को अपने हाथों से परोसिए, क्योंकि मात्र हस्तेन भोजनम, माँ के हाथ में अमृत है। माँ के हाथ से परोसा गया भोजन बीमार नहीं करता, पेट नहीं फुलाता, गड़बड़ी नहीं करता, उसका हाथ लगते ही अन्न अमृत बन जाता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उसका हाथ लगते ही अन्न अमृत बनता है। तो मात्र हस्ते न भोजन, ये तो दुनिया कोई भी भोजन बना दे जो स्वाद माँ के हाथ के भोजन में, लेकिन आप मानोगे थोड़े ही नहीं, आपको तो फुलका पत्नी के ही हाथ की अच्छी लगेंगी, बढ़िया लगेंगी। माँ के हाथ का परोसा हो गया जी मिये। कभी आप मुझे युवा भाई बहन सुन रहे हो, कभी आप माँ को कह भी सकते हैं, कह सकते हैं कि पत्नी को कि एक बार माँ के हाथ से भोजन परोसने दीजिए। इसमें मेरी बहनों को जलना नहीं चाहिए, गुड़ना नहीं चाहिए, तुम अपने बच्चों को परोसिए तो तुम्हारे हाथ का अन्न अमृत है, महिमा है।